हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक्चुअल में मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मैंने ऑलरेडी दो तीन और चैप्टर्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपके ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें आपने मतलब काफ़ी सारा बहुत सारा प्यार दिया है और आप लोगों को काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत इजी वे में समझ में भी आ गया है। तो उसी में उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ और जो चैप्टर्स हैं उनके भी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास ट्वेल्थ के, उनके भी सेंट्रल आइडियाज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। सो मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ जो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो चैप्टर मतलब आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर आ ही रहा है वही आए। मतलब चेंज भी हो सकता है भाई, सिलेबस का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमको एटलीस्ट 5-6 सेंट्रल आइडिया तैयारी करके जाना ही चाहिए, ताकि कुछ भी आए तो आप एटलीस्ट 4 नंबर का आपका आता है, ऑब्वियसली सभी को पता है। तो पूरे के पूरे 4 नंबर एटलीस्ट इस टॉपिक पे, मतलब इस क्वेश्चन में आपको पूरे 4 नंबर मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं नए चैप्टर, मतलब आंट जेनिफर्स टाइगर्स का सेंट्रल आइडिया। इसको देखने से पहले एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया मतलब होता है पूरा आपका जो चैप्टर है उसका निचोड़, मतलब एक कुछ शब्दों में आपको पूरा चैप्टर समझा देना। मतलब अगर आप लोग 4-5 लाइन में उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उस 4-5 लाइन से हमें पूरी जो चैप्टर होता है उसका पूरा ओवरव्यू हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसी टाइप का ही बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। आर्ट्स जेनिफर्स टाइगर्स जो चैप्टर है वो एक्चुअल में है क्या, उस चैप्टर में है क्या। तो उसमें ये है कि आंट्स जेनिफर जो रहती हैं वो मतलब अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था, आज भी ये चीज़ें हैं। मतलब पुरुष प्रधान जो हमारा देश है ये पहले से ही चला रहा है। आज ये सब चीज़ें कम हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं एक हद तक, क्योंकि एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। जो औरतें हैं वो भी एजुकेटेड हो रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। सो ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई है, बट पहले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये सब होती थी। और आज भी कहीं कहीं घरों में होता है कि मतलब जो जैसे कोई औरत है उसका जो पति है वो कुछ भी कह देता है तो उसे वही करना पड़ता है। तो आंट जेनिफर जो होती है उनकी सिचुएशन इसी टाइप की है। तो वो क्या करती है, मतलब ऐसा इस पोयम में दिखाया गया है कि कोई भी किसी को अपने अधीन कर सकता है तो उसकी बॉडी को अधीन कर सकता है, न कि उसके माइंड को। माइंड तो आपका कहीं भी कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसी तरीके से इस पोयम में दिखाया गया है कि जो आंट जेनिफर होती है उनके जो हस्बैंड होते हैं वो मतलब उनको, उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। हस्बैंड का आंट जेनिफर के ऊपर कंट्रोल होता है। वो आंट जेनिफर जो होती है वो पूरी तरीके से उनके अकॉर्डिंग चलती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब उनकी सारी चीज़ें होती हैं, दिनचर्या कह लीजिए, उनका काम करना कह लीजिए। वो बाहर नहीं जा सकती, काफ़ी ज़्यादा बंधी हुई है ऐसा वो फील करती हैं। तो उनके अंदर की जो मतलब उनके दिमाग में जो ऐसा, वो भी जैसे कोई पक्षी है, आप ये समझ लीजिए कोई एक बर्ड है जिसको हमने बंद कर दिया है पिंजरे में, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा। हम उसको बंद कर सकते हैं, पर उसके जो माइंड में चल रहा होता है कि मैं उड़ जाऊं, कब मैं, काश मैं उड़ जाती, फिर ऐसा होता, ऐसी जगह होती। तो ये जो सोच होती है ना, इसे हम किसी की भी सोच को कैद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आंट जेनिफर जो होती है वो ऐसा मतलब इस पोएम में यही बताया गया है कि उनको उनके हस्बैंड कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका जो मन कह रहा है कि वो किसी ऐसे जगह पे जाए जहां उनको किसी से डर ना लगे, वो एक आजादी महसूस करे, अपने मन से जो चाहे वो कर सके। तो ये पूरे पोयम में आपको यही बस बताया गया। 3 स्टेंजा का पोयम है, आप सभी को पता है। फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया गया है कि जो आंट जेनिफर होती है वो टाइगर्स बनाती है, जो एक ऐसी प्लेस पे है जहाँ पे वो एकदम फ्री है, किसी से डरते नहीं है, चाहे कोई भी एक शिकारी खड़ा है उनका शिकार करने के लिए, बट फिर भी वो नहीं डरते, बहुत ही निडर है और कहते हैं ना बेबाक है, किसी के परवाह नहीं है, कुछ इस टाइप के उनके जो थॉट्स होते हैं कि वो कैसी जगह पे जाना चाहती हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपको ये बताएगा। दूसरे स्टेंजा में आपको ये बताया गया है उसमें कि उनकी जो एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जैसा कि आपको क्वेश्चन आंसर में भी आपको मिलेगा कि उनके जो टाइगर्स होते हैं वो आंट जेनिफर से कैसे डिफरेंट है। तो उसका आंसर यही होगा कि आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट है, और उनके जो टाइगर्स हैं वो फ्री है, मतलब किसी से डर
डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होंगी क्वेश्चन के आंसर में। तो या जो हमारा लेसन होता है उसी से हमारे आंसर्स निकलते हैं। तो इसी टाइप का आपको दूसरे स्टेंजा में मिलेगा। तीसरे स्टेंजा में भी इसी टाइप का है कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं, मतलब वो अपने बंधन में इस तरीके से बंधी हुई हैं कि जब वो वीविंग करती रहती है, मतलब जो कढ़ाई जो होती है शेर का जो बनाती रहती है, उसमें भी जो निडल पकड़ी होती है, जो सुई होती है, जो निडल पकड़ी होती है, वो उनके हाथ कपकपा रहे होते हैं, वो तक वो नहीं पकड़ पाती है। क्योंकि उनके हाथों में जो वो रिंग होती है मैरिज की, इट मीन्स जो एंगेजमेंट के टाइम पे पहनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो मैरिज की रिंग होती है, मतलब वो रिंग को रिप्रेजेंट किया गया है कि जो वो बंधन, जिस बंधन में वो बंधी हुई हैं, उससे वो मर के भी छुटकारा नहीं पा सकती। तो टोटल आपको पूरी जो पोयम है वो तीन स्टेंजा में इसी तरीके से बताया गया है। तो इसी का पूरा सार जो है आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना है। तो ये इसको मैं आपको पढ़ के और समझा दूंगी तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन फोकस आपका यही होना चाहिए कि एक्चुअल में ये पोयम हमसे कह कर क्या रहा है। तो सेंट्रल आइडिया आप इजीली आराम से किसी भी पोयम का लिख सकते हैं, बट आपको वो जो पोयम होगी वो आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में आपको मतलब पोयम में क्या बता रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो चलिए देख लेते हैं आंट जेनिफर स्टाइगर्स सेंट्रल आइडिया। दिस पोयम इज कंपोज बाय एंड्रीनी रिच। ठीक है, तो आपको ये तो पोएट का नाम तो लिखना ही लिखना है, एंड्रीनी रिच। इन दिस पोयम शी टेल्स अबाउट हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची मतलब होता है पैतृक, सॉरी पैतृक नहीं होता है, जो पितृ सत्तात्मक, जो एक वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में कि जहाँ पे पिता की सत्ता होती है, मतलब पुरुष प्रधान जो जो जगह मतलब जो स्थान होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो परिवार होता है उसी को बोलते हैं पैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची मतलब पुरुष प्रधान। तो पैट्रियार्ची कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडीज, मतलब आपको इतने का मतलब बताती हूँ। इन दिस पोयम, इस पोयम में शी टेल्स अबाउट, मतलब जो पोएट है वो ये कह रही है, टेल्स अबाउट हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची, जो पैट्रियार्ची की जो पावर होती है वो कैसे कंट्रोल वुमेन्स बॉडी, कैसे वुमेन्स बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, बट नॉट देयर माइंड। नॉट देयर माइंड मतलब उसके उनके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसी लाइन को आपको अपने शब्दों में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, इस लाइन को लिखना है तो भी लिख सकते हैं। इस एक लाइन से जो जो चेक करने वाला होगा ना टीचर, उनको समझ में आ जाएगा कि आपको पोयम समझ में आ गई है। आगे हम पढ़ते हैं, द पोयम मेक्स दिस पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग द वाइल्ड एक्सोटिक पावरफुल टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड, जो हमारी जो आंट जेनिफर, वो जो टाइगर्स को जो बनाती है, जो टाइगर्स जो बनाती हैं उनके द्वारा इसको पूरी जो मतलब ये पोयम है ना, उसको पूरा जो वो कहना चाह रही है, पोएट क्या कहना चाह रही है कि हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची कंट्रोल वुमेन्स बॉडीज बट नॉट देयर माइंड। तो इसी लाइन को वो प्रूफ करने के लिए, मतलब वो कैसे प्रेजेंट, किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है इस लाइन को, द पोयम मेक्स दिस पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग द वाइल्ड एक्सोटिक पावरफुल टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर। मतलब जो आंट जेनिफर टाइगर्स जो बनाती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती है टाइगर्स की, उनके थ्रू इसको बताया गया है, एंड कॉन्ट्रास्टिंग देम विथ आंट जेनिफर हरसेल्फ। और वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मतलब जैसा वो सोच रही होती है टाइगर्स के बारे में कि वो कितने फ्री हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने ज़्यादा साहसी हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बट उनकी जो लाइफ है, आंट जेनिफर की लाइफ है, उससे टोटली अपोजिट है। बट वो चाहती वही है कि मतलब मैं उस ऐसी जगह पे जाऊँ, ऐसे रहूँ कि मतलब मुझे किसी से डर ना लगे, मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ मैं फ्री महसूस करूँ, खुली हवा में सांस लूँ, अपनी मर्जी से रह सकूँ और अपने तरीके से जो भी करना हो मुझे कर सकूँ। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मैरिज की जो एक फाउंडेशन है उसमें वो बंधी हुई होती है, जिससे वो लास्ट तक, मतलब जब मरने के बाद भी, ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद भी वो उस बंधन से फ्री नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो उनकी रिंग होती है वो उसमें लगी होती है और उसके निशान वो हमेशा ही रहेंगे। इस तरीके का पोयम में बताया गया है। तो ये पूरे आपको जो
सेंट्रल आइडिया है वो 4 से 5 लाइन में इस टाइप से हमें आपको लिखना है और बताना है कि उसमें सबसे मेन आपको बता दूँ ये वाली लाइन आप याद कर लीजिएगा और इस लाइन से आपको काफ़ी कुछ मतलब आपके नंबर तो पक्के हो जाएंगे कि क्या बोल रही है पोएट हमसे, हाउ द पावर ऑफ द पेट्रियार्ची कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडीज बट नॉट देयर माइंड। तो ये एक लाइन है जो आपको याद करनी है और ये जो पोयम है ये किस ये अपने इस लाइन को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, द वाइल्ड एक्सोटिक पावरफुल टाइगर्स एम्बॉयडर्ड बाय एम्ब्रॉयडरी किस कौन कर रहा था, आंट जेनिफर। तो आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर एंड कॉन्ट्रास्टिंग देम विथ आंट जेनिफर हरसेल्फ खुद से। तो ये आपका एक 5-6 लाइन का हो गया सेंट्रल आइडिया। आई होप कि ये सेंट्रल आइडिया आपको इजी लगा होगा और पसंद आया होगा और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में आया होगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो चीज़ें भी समझा सकूं और किसी दूसरे टॉपिक पे भी सेंट्रल आइडिया या फिर लेटर या फिर पोयम को समझाना हो, लेसन को समझाना हो, जो भी आपकी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मेरी ये कोशिश नहीं है मतलब मैं सामने आके वीडियोस नहीं बनाती हूँ, आप सभी को पता है कि मेरी जो सारी वीडियोस होती है उसमें मैंने लिख के और समझाया हुआ है। तो ये जो मतलब ये जो नई कोशिश है इसमें मेरा साथ दीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए और अच्छा करिए। बाय बाय।